हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं क्लास ट्वेल्थ चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं इसके बारे में आपको कुछ बता दूं कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, वेयर एज कई बुक्स में ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है। लेकिन मैं यहाँ पे ये बात स्पेसिफाई करनी चाहूँगा कि एग्जाम्पल नंबर 45 मिसलेनियस की जो है वो भी सेम क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को करूँगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के बराबर। आपको और कोई दिक्कत भी आती है तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, लेकिन अभी के लिए हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x विच पासिस थ्रू द पॉइंट 1, 2। तो एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। लेट्स से कोई कर्व हमारे पास ऐसे है, ये इस पॉइंट से होके निकलती है जो कि 1, 2 पे है। हमें पता है कि पॉइंट जो है, जो टेंजेंट होती है, वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से टच करके निकलती है कर्व को, और उसके ऊपर अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो दैट इज़ कॉल्ड दी नॉर्मल। हमें करना क्या है, हमें इस नॉर्मल की इक्वेशन बनानी है जिसके ऊपर मैंने एरो लगाया है। आई होप द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन यू मस्ट हैव अंडरस्टूड प्रॉपरली। क्वेश्चन शुरू करने से पहले बता दूं कि आपको डेरिवेटिव्स के कॉन्सेप्ट तो आने ही चाहिए, एज वेल एज आपको 11th स्ट्रेट लाइंस के कॉन्सेप्ट भी अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए नॉर्मल है, टेंजेंट है, तो आपको इसके कॉन्सेप्ट भी आने चाहिए। अगर आपको नहीं आते हैं प्लीज़ रिवाइज कीजिए एंड देन ट्राई एंड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। चलिए फटाफट से अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, द इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा 2y dy by dx इज इक्वल टू 4। इसको थोड़ा सा रिफाइन करके लिखा जा सकता है, dy by dx इज इक्वल टू 4/2y। नाउ ध्यान दीजिए, dy by dx एट what? 1, 2 था, yes, जो हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है 4/2 इंटू y क्या है 2, तो ये और ये कट जाएगा और ये 1 आ जाएगा। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1, 2 इज 1, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ देयर फोर स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व या टू द गिवन कर्व एट 1, 2 इज 1। अब हम एक और चीज लिख सकते हैं, वी नो दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1। 11th स्ट्रेट लाइन्स चैप्टर 10। सो द स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज, यहां से हमारे पास स्लोप आ जाएगी नॉर्मल की, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1/1, दैट विल बी -1। दोबारा से हम लिख सकते हैं, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, y-y1 इज इक्वल टू m इंटू x-x1। अब हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो हमें चाहिए क्या, नॉर्मल की, तो देयर फोर यहाँ पे हम लिख लेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू, या मुझे लिख देना चाहिए एट 1, 2 इज, देखिए अब y-2 और स्लोप क्या है -1 x-1, दैट इज द इक्वेशन जिसे अब हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, y-2 इज इक्वल टू -x+1, यहाँ आ जाएगा हमारे पास x+y
माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एंड दैट शुड बी द आंसर. आई होप इट्स क्लियर टू यू.